नमस्कार, मेरे कैंसर राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं बात करूंगा आपकी राशि के बारे में और मंथ ऑफ फरवरी के बारे में। क्या है आपकी राशि में खास इस महीने में, मंथ ऑफ फरवरी कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके लिए ये मंथ अच्छा हो, ये मंगल कामनाएं आपके लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि सेहत का बहुत बड़ा, जो कहें कि सेहत ही सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो चंद्र और राहु का एक योग आपकी कुंडली में आपकी राशि से गुजर रहा है। वहीं सूर्य बुध शुक्र केतु का एक चतुर्ग्रह योग आपके सप्तम भाव में है। मैं ये कहूँगा कि इस समय जिनको कानों की तकलीफ रहती है किसी तरह से भी, जिनको दांतों की तकलीफ है किस तरह से भी, जिनको बहुत ज़्यादा सोचने की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जो सोचते बहुत रहते हैं, एंग्शियस बहुत रहते हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि चंद्र राहु का योग आपको विचारवान बना सकता है, किस तरह की एंग्जाइटी दे सकता है। आपको भूलने की बीमारी भी इस समय के दौरान हो सकती है, कानों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, दांतों की तकलीफ हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान, अगर आप इन चीज़ों को करने में, मेंटेन करने में कामयाब हो गए, तो आप जान लीजिए कि आपका जो महीना बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्या रहेगा बाकी का संबंध, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुंडली में स्थितियाँ बहुत 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 बेहतर बनी हुई हैं। ये बेहतरी जो है इस महीने में आपके रिश्तेदारों, नातेदार जो हैं, आपके रिलेटिव जो हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन पोजीशन बनी है। परिवार का सहयोग आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और परिवार में जब हम बात करते हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली से भी लोग आपके साथ घुल मिल जाने के लिए तैयार हैं। परिवार में गेट टूगेदर, शादी जैसी, किसी के आगमन की, किसी के जन्म की संभावनाएं बनी हुई हैं, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं, जहाँ आप सब लोग मिलने वाले हैं, और इसका पूरा आनंद आपको लेना चाहिए। वहीं आपके बहन भाइयों की अगर बात करूँ तो आपके थर्ड हाउस में जेमिनी, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी तत्पर हैं आपके किसी परिवार के बहन भाई के यहाँ बच्चे की आमद हो सकती है, किसी बच्चे का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, उनकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, जो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो निश्चित तौर पे संतान पक्ष, बहन भाइयों का और उनके साथ आपका संबंध कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप खुद किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से बहन भाई आपको या आपके बच्चों को जो है वो मिलने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें शाबाश देने के लिए आपके यहाँ एकत्रित हो जाए। तो कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस महीने में बना हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक माता पिता की बात है तो निश्चित तौर पर बेहतरीन पोजिशन है। जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए एकदम बड़ा दायरा दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी तरफ से आपको एक सहयोग की भावना के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल गेन होने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के छोटी छोटी यात्राएं, बीच में रुकती हुई यात्राएं, परिवार के साथ जुड़ी हुई यात्राएं, पारिवारिक संबंधों की बात, जो बातें हैं, वो एकदम बेहतरीन पोजिशन इस समय आपके लिए बनी हुई है। जहाँ तक आपकी आपकी खुद की संतान की बात है, पंचम भाव में मंगल का होना यह दिखा रहा है कि फैमिली में एजुकेशन के मामले में जो बच्चे, आपके बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। और किसी को कोई डिग्री अचीव हो सकती है या कोई अगले दौर में जाने के लिए तैयार है और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला, ऐसी संभावना है। संतान की सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मंगल एक चिंता का विषय भी देते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो जोश में भरे रहते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप थोड़े से वरिड रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अपने ही घर का मालिक मंगल, अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उनके ऊपर आप डाउट ना करके एक दिशा निर्देशन आप उनको दे दें, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत अच्छा लाभ जो है वो आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए बनने वाला है। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात करूँ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ, तो मैं कहूँगा सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करूँ, तो आपके मन में प्रेम संबंधों के प्रति रुझान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा है जो आप, जो आपकी नज़र में आएगा, कोई आपको लाइक करता होगा, कहीं ना कहीं आपको ये अवसर प्राप्त होगा जहाँ से आप ना करके कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है, कह सकता है कि आई लाइक यू एंड आई लव यू। ऐसी स्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं, तो निश्चित तौर पर शौक ना हो। अगर कोई अच्छी चीज़ है और प्यार जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो, हम तो कहते हैं कि प्यार तो परमात्मा का दूसरा नाम ही है इस संसार में। तो शुभ विचार से और अच्छा प्यार जो है वो अच्छा है। जो प्यार सिर्फ और सिर्फ शारीरिक है या किसी पदार्थ से या किसी धन से जुड़ा हुआ प्यार है, वो कभी भी शुभ नहीं हो सकता, वो हमेशा झगड़े का कारण होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक शादी की बात है, शादीशुदा जिंदगी में निश्चित तौर पे इस समय बहुत सारे ग्रहों का योग इस तरह से बना हुआ है, और आपके सप्तम भाव में चार ग्रह बैठे हुए हैं, और जब चारों के चारों ग्रह इस बार रिलेशनशिप को एक मजबूत बॉन्डिंग दे रहे हैं, तो आपके गृहस्थ जीवन में एक अच्छा विचार बनेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ योग कहीं कमजोर है, और खासतौर पे कुंडली में वीनस कमजोर है, तो निश्चित तौर पे उन
कैंसर राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अदरवाइज मुझे ये लग रहा है कि इस समय में शादी करना, शादी का इन्विटेशन, शादी और शादी जैसे समागम से आपका आना जाना और लगाव, ऐसे इन्विटेशन आपको मिलते रहेंगे जिसका लाभ होगा। आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा, एंगेजमेंट करने के लिए एक उत्तम समय है, लेकिन जब भी एंगेजमेंट करें दिन मंडे का ना हो। जहां हम जब यूरोप भी का बात करते हैं, यूके तो वीकेंड पे ही सब कुछ होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे कोई भी दिन हो वो कहते हैं मंडे है, शुभ दिन है, बुधवार का दिन शुभ है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि मंडे के दिन कोई भी बातचीत जो है वो उसको फाइनल ना किया जाए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के मामले में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए एक बेहतर पोजीशन बनाए हुए दिखाई दे रही हैं। अब मैं बात करूंगा आपके आपकी लिविंग के बारे में। तो सबसे पहले ये कहूं कि जुपिटर का फोर्थ हाउस में होना, ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के माध्यम से जो बातचीत चल रही है आपकी सेल और परचेज की, आप बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसमें हल्की हल्की सी प्रोग्रेस, रुकावट के साथ प्रोग्रेस होगी और वो चीज़ें आपके लिए बड़ा एक दायरा बनाएगी। आप घर के अंदर नया कुछ करने की सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे आप करें। आप कुछ बड़ा लेने की सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे। जुपिटर जब भी आता है, शनि जब भी आता है, तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी विजन जो है आपके दिमाग में रहता है, एक बड़ा घर आपके पास हो जिसमें आप उसके अंदर ही बहुत सारी, जैसे होता है ना गार्डन तो आजकल जहाँ नॉर्मल है, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छा बनाने के, जैसे हम जहाँ कहें कि हमारे यहाँ मेंशन हो जाए कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी समर्थता से बड़ा घर ले पाएं ऐसी संभावना है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाड़ी तो निश्चित तौर पर इस बार आपको एक बड़ी गाड़ी का योग बना हुआ है। बड़ी गाड़ी मीन्स जो आपकी हैसियत, उस हिसाब से आप कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, सहयोग आपको मिल जाएगा जिससे सिलसिला बनता चला जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक बात नौकरी की है, आपकी नौकरी की जब मैं बात देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि केंद्र का मंगल जो है पंचम भाव में चला गया है, तो ये अचानक से आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो दे सकता है। तो नौकरी के मामले में इस बार थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा होगी, लेकिन जी हाँ, अगर नौकरी की आप कामना कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मैं क्या कहूँ, इस बार तो जितनी भी राशियाँ हमने की हैं उसमें लगभग एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई दी है कि जहाँ पे नौकरी कॉन्ट्रैक्ट रेस हो या किस तरह से भी आपको नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें आपको लाभ हो रहा है। जो लोग नौकरी में पहले से ही हैं, मैं कहूँगा जी हाँ, जोश बहुत है आप में, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो यही समय है जब ये सब कुछ आप कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर करें और इसका लाभ भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी शक्ति के आगे एक शक्ति और पॉजिटिव शक्ति खड़ी है जिसमें आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के से गुजरना है। तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव मूव मैं आपके लिए देख रहा हूँ। जो लोग बिजनेस में हैं, निश्चित तौर पे आपको प्रेज किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, बेहतरीन स्थिति है और इसको आप यूं ही बढ़ाते चलिए। और नया वेंचर, नई बिजनेस डील आपके लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रही है, आपके सामने कुछ ऐसा प्रपोजल चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि आंखें बंद करके, लेकिन एग्रीमेंट में आंखें बंद ना हो, आप उसमें आगे बढ़ें, एक अच्छा एग्रीमेंट साइन कर लें, तो उसमें अच्छी तरह से उसको पढ़ भी लें साथ में, तो निश्चित तौर पर एक सफलता का दौर आपके साथ बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं तो इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे इस महीने में और निश्चित तौर पे आप इसका लाभ, या आप अपनी चीज़ों को दिखाकर अपने फाइनेंशियल स्टेटस का जो है लोगों के सामने एक शो ऑफ जैसे बखान कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप काम किस लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं कि आपके पास सारे सुख के साधन हों, तो ये सुख के साधन और फाइनेंस आपका इस बार बहुत अच्छा रहेगा और आप उसको पाने में, करने में कामयाब रहेंगे। जब मैं यात्राओं की बात देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपको छोटी छोटी यात्राएँ टाउन के अंदर ही, दूसरे सिटी में, इवन ओवरसीज भी हो सकती हैं, तो उसमें आपको शादी विवाह पार्टी और कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको आना जाना पड़ सकता है और उसको आप फुली इंजॉय करेंगे, जिस साथ में एक बहुत ही अच्छी बात जो है बनी हुई है। जो लोग खुद एजुकेशन में, मैं कहूँगा ध्यान दें, चंद्र राहु का योग आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें। और ये कहूँगा कि आखिर में कहूँगा कि यह मंथ आपके लिए एक अच्छा, बेहतरीन मंथ, एक अचीवमेंट से भरा हुआ मंथ आपके लिए बनता है, बन रहा है, और इसमें अगर आप चाहें कि आपको इसमें सफलता मिले, तो इसका एक ही बहुत अच्छा साधन आपके लिए कहूँगा, उपाय कहूँगा कि धर्मस्थान में फल, धर्मस्थान में मैंने यूज़ किया कि धर्मस्थान में फल
का दान अगर होता रहे, फल आप डोनेट करते रहे, चढ़ाते रहे, तो निश्चित तौर पे आपकी वृद्धि होगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी राशि की और वीडियोज लेके आपके सामने आता रहूँ। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे अब आपकी राशि और को लेके मार्च महीने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।